वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेटागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो महा टीईटी की तैयारी करने वाले अफराद के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर एक, नफ्सियात बर्ताव और तजुर्बे का खाली जगह है। ऑप्शंस है नाम, अमल, इल्म या मजमुआ। सही जवाब होगा नाम। नेक्स्ट, खाली जगह में विलियम ऊंट ने नफ्सियात की पहली तजुर्बागाह कायम की। ऑप्शंस है 1897 रूस, 1880 अमेरिका, 1881 जापान या 1879 जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन 4, 1879 जर्मनी। अरस्तु के ज़माने में नफ्सियात को खाली जगह का इल्म समझा जाता था। ऑप्शंस है शऊर, साइंस, रूह या जहन। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, रूह। सवाल नंबर 4, खाली जगह मुशाहदे में फ़र्द खुद अपनी हरकत व सरगर्मी का मुशाहदा करता है। ऑप्शंस है खारजी, दाखिली, छुप कर या गैर शरी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा दाखिली। सवाल नंबर 5, इल्म हासिल करने का पहला मरहला खाली जगह है। ऑप्शंस है एहसास, इदराक, समाअत या तफहीम। देखिए इल्म हासिल करने का सबसे पहला मरहला क्या है? एहसास है, इसलिए सही जवाब होगा एहसास। नेक्स्ट, दिमागी कुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश की मुंतकली अपने आप होती है। ऐसा ख्याल पेश करने वाले नज़रिए के तौर पर खाली जगह नज़रिया पहचाना जाता है। ऑप्शंस हैं दिमागी नशोनुमा का, इखलाकी नशोनुमा का, सीखने के खत का या दिमागी तरबियत के जाब्ते का। सही जवाब है ऑप्शन 4, दिमागी तरबियत के जाब्ते का। नेक्स्ट, एक हालत की आमोजिश का दूसरी हालत की आमोजिश पर अगर मौजू असर हो तो ऐसी मुंतकली को खाली जगह कहते हैं। मुस्बित मुंतकली, मनफी मुंतकली, सीफर मुंतकली या गैर मुस्बित मुंतकली। तो देखिए ये होगा पॉजिटिव, इसका जवाब होगा मुस्बित मुंतकली। नेक्स्ट, वालिदैन की तरफ से मुंतकिल होने वाली खूबियाँ यानी खाली जगह। ऑप्शंस है नकल, जिस्मानी खूबियाँ, विरासत या जिस्मानी खामियाँ। तो इसका सही जवाब बहुत ही आसान है, विरासती खूबियाँ या विरासत, इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 9, आमोजिश की तरक्की बताने वाली तरसीम को खाली जगह कहती है। तादुदी कसीर फाली, खत इर्तिका या खत आमोजिश या खत मुनहनी या आमोजिश का खत, खत मुनहनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, खत मुनहनी। नेक्स्ट, अल्फाज की मदद से तैयार होने वाली आमोजिश को खाली जगह आमोजिश कहते हैं। ऑप्शन है लफ्जी आमोजिश, तहरीरी आमोजिश, अमली आमोजिश या समय आमोजिश। तो देखिए अल्फाज की मदद से, अल्फाज यानी लफ्ज, तो इसका सही जवाब होगा लफ्जी आमोजिश। नेक्स्ट, खुद से खुद का किया हुआ मुशाहदे से मुराद खाली जगह खारजी मुशाहिदा, दाखली मुशाहिदा, इनफरादी मुशाहिदा या इज्तिमाई मुशाहिदा। तो पहले भी देख चुके हैं हम, इसका सही जवाब है दाखली मुशाहिदा यानी खुद से खुद का किया हुआ मुशाहिदा। नेक्स्ट, समाजी बाहमी नमूने यानी सोशल इंटरेक्शन मॉडल को खाली जगह इन माहिर नफ्सियात ने ज़्यादा अहमियत दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, बायरन नॉसलेस, जॉर्ज शेफल। नेक्स्ट, तदरीसी नमूने मॉडल के खाली खाली जगह और खाली जगह है, दो माहिर नफ्सियात का नाम बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ब्रूस जॉइस और मार्श विल। नेक्स्ट, खाली जगह को फलसफे इफादियत का इमाम समझा जाता है। ऑप्शन है अरस्तू, मेंडल या जॉन डेवी। इसका सही जवाब होगा जॉन डेवी, जॉन डेवी को फलसफे इफादियत का इमाम समझा जाता है। सरगर्मी के साथ
बयानिया और लफ्जी तर्द तजरीज को भी अहमियत मिलनी चाहिए। इस नज़रिए को खाली जगह ने पेश किया। जेम्स एंड एम थॉमस एंड एम रस्क मैकडोगिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मौलिम और मुतालिम के बाहमी इश्तराक से होने वाले अमल को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन है आमोजिश, तालीम, कदर पैमाई या नफ्सियात। सही जवाब होगा आमोजिश। कसीरुल आमिल नज़रिए जहानत खाली जगह ने पेश किया। थॉर्न डाइक, वेगले, आई पी पाओलो या मार्श वेल। इसका सही जवाब होगा थॉर्न डाइक। नेक्स्ट, सापेक्ष तजुर्बात के आदा से मुराद खाली जगह है एहसास, हाफिजा, याददाश्त या मरकूजियत। सही जवाब है हाफिजा। नेक्स्ट, मशरूत रद्दे अमल का नज़रिया खाली जगह ने पेश किया। वेगले, गिलफोर्ड, मेंडल या आई पी पाओलो। सही जवाब है आई पी पाओलो। और लास्ट क्वेश्चन है, नज़रिए बसीरत यानी खाली जगह का अचानक तयशुदा और फौरी अमल इल्म है। ऑप्शन है असली सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल, गैर मौजूदा सूरत हाल या गैर मुनज़्ज़िम सूरत हाल। देखिए बसीरत यानी देखना, तो इसका सही जवाब होगा असली सूरत हाल, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।